लंबे समय तक देश में दुनिया में फिल्में बनी कि किस तरीके से दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे और कोई विलेन आया उसने उनके प्रेम में बाधा डाला। भारत में तरह तरह के विलेन फेमस हुए, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी। मुझे लगता है आज जब भारत की बेटियाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखती हैं तो उनको वो सारे विलेन दिखाई देते हैं, या उस विलेन स्वरूप में प्रेम चोपड़ा हो या फिर शक्ति कपूर हो या फिर अमरीश पुरी, वो सब लोग दिखाई देते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यों से आम आदमी के विलन बन गए हैं। उनको इससे आपत्ति है कि कोई महिला क्या पहनती है, क्या खाती है, किसके साथ घूमती है। उत्तर प्रदेश में लगातार 2021 हो 2022 हो NCERB के आंकड़े कहते हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए, 65,000 से ज़्यादा अपराध हुए। ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह के खिलाफ देश की खिलाड़ी जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया सड़क पर उतरी, समूची भारतीय जनता पार्टी को जैसे सांप सूंघ गया। बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ पूरी पार्टी खड़ी रही, सरकारें खड़ी रही। एक ऐसी सरकार जो एक से एक अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा होती है, ऐसे ऐसे कानून लाना चाहती है कि बेटियों को डराया जा सके, आम लोग जो सामंजस्य ऐसे रहते हैं उनको डराया जा सके, पिंजड़े बनाती है कि संसद में प्रेस के लोगों को रखा जा सके। एक डरी हुई सरकार उल जलूल फैसले ले रही है। समाजवादी पार्टी आज जनता की सद्भावना की, विकास की, आकांक्षाओं की आवाज बनी हुई है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी संसद में बोलते हैं तो चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, UPSC में जो दर्दनाक मृत्युएं हुई हैं छात्रों की, उसका मामला हो, UPSC में जो स्कैम दिखाई दे रहा है उसका मामला, कोई भी मामला हो, किसानों का मामला हो, बेटियों का मामला हो, सब अपेक्षा से देखते हैं कि अच्छे आइडिया प्रस्तुत करेंगे। समाजवादी पार्टी वो आवाज़ बनी रहेगी और जो भी जुल्म, चाहे वो बुलडोजर का जुल्म हो, फेक एनकाउंटर का जुल्म हो, या उल जरूर कानूनों का जुल्म हो, चाहे वो बेटियों के खिलाफ हो, प्रेस के खिलाफ हो, जो उत्तर प्रदेश की ये जाने वाली सरकार कर रही है उस सभी जुल्म के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ेगी।